हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन हो रहा है 6 जनवरी और आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है। तो इधर मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, तो अब बच्चे भी नहा लिए, हम भी नहा लिए। और वैसे तो किंजल को मैं नहला नहीं रही थी, पर वो मेरे पीछे पीछे फिरते फिरते पूरी गीली हो गई थी, तो उसको भी नहलाना पड़ा। और इधर जीबू भी नहा ली है सुबह ही, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। और बाहर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है और सर्दी भी अपने पे है। तो इधर मैंने जीबू को कर दिया है तैयार, कि जीबू की बना दी चोटी और उसको कपड़े पहना दिए और वो कर रही है डांस। और अब मैं लगा देती हूँ उसके टीका क्योंकि मैंने पूजा भी कर ली है। तो और वो देख रही है अपना टीका कैमरे में। उन्हें नहा धो के हो गए रेडी और किंजल तो आज वैसे ही नहा ली। वैसे मैं किंजल को नहला नहीं रही थी, पर ये क्या हुआ आँख में लग गए। बस किंजल को नहला नहीं रही थी पर ये पूरी गीली हो चुकी थी मेरे पीछे पीछे, तो उसको भी नहला दिया। और अब सर्दी तो और तेज होती जा रही है दिन से दिन। और आज जीबू क्या है, आज जीबू के पापा का बर्थडे है। तो और मैंने भी नहा लिया है, अब मेरे को बाल सुखाना बाकी रह गया है और कपड़े पहनने। पापा अभी सो रहे हैं उनके। चलो यहाँ पर बैठो, आप लोग बैठो, चलो यहाँ बैठो। नहीं छूटा लगा है। तो गाइस इधर मैं बालों को अच्छे से सुखा लेती हूँ क्योंकि अब सर्दियों में बाल धोने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर धोना पड़ता है, क्या करें, गंदे हो जाते हैं ना इसलिए। तो इधर मैं बालों को अच्छे से पोंछ के सुखा लेती हूँ जिससे कि सर्दी ना लगे। और इधर किंजल को फिर से आने लगी है नींद, वो खेल रही है। उसने तो आज मेरी सारी बिंदी की डिब्बी पूरी फैला दी है। तो इधर मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ लिवॉन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम हो गए रेडी और जीबू भी रेडी हो चुकी है, किंजल तो पहले से ही है। तो इधर आ गया है हमारा नाश्ता, बन गया है हमारा नाश्ता, चाय पराठा। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए चाय पराठा। चार पराठा है। चलते हैं खाते हैं फिर। आप ही बोलिए। गाइस चाय के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है ना, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पाव भाजी। तो इधर मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, आलू सब सब्जी वगैरह काट के रख ली है भाजी के लिए। इधर आलू मटर गोभी पत्ता गोभी गोभी शिमला मिर्च गाजर सारी चीज काट के रख दी है। अब मैं इनको करूँगी बॉयल, बॉयल होने के लिए रख दूँगी कुकर में। पर
तो इधर मैंने सारी सब्जियां कुकर में रख दी हैं। और बस एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ना थोड़ा पानी डालें, भर के ना डालें, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती ना, तो इसमें मैं डालूंगी पानी थोड़ा सा। और अब डालेंगे नमक एक चम्मच, एक चम्मच नमक डाल दिया। अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। और इसे मीडियम आंच तक एक दो सीटी लगने दें, फिर बंद कर दें। तब तक मेरी सब्जियाँ उबल रही है ना, जब तक मैं बर्तन भी साफ कर लेती हूँ यहीं पर। इधर आ गए हैं, ये लेकर आए हैं अभी पाव। और लाइटर लगवा लो, चला पाव भाजी, मसाला और बटर लगवा लो, फिर जाओ लाइट कम ज्यादा है, ये सामान को जाओ लो मुझे है। हां लगवा लो, फिर देर यार अबे। तो गाइस लाइट जा चुकी है और भाजी बना रही थी और लाइट चली गई, तो अब लाइट का वेट करेंगे, और नहीं आएगी तो फिर ऐसे मोबाइल की टॉर्च से बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इधर ये बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सर्दी। और इधर ये टमाटर वगैरह सब कट करके रख लिया है, टमाटर अदरक मिर्ची सारी चीज कट करके रख ली, पर लाइट ने धोखा दे दिया एंड टाइम पे। तो इधर मेरी भाजी पक गई है। तो आज तो बिना लाइट के ही बनाना पड़ रहा है खाना। तो इधर रख दी है कढ़ाई, और अब इसमें पड़ेगा बटर थोड़ा सा, फिर कुछ बनने के बाद डालेंगे। मैं थोड़ा सा बटर डाल दिया है, और थोड़ा तेल। हरी मिर्च, अदरक, ऐसा मत करो इंसान बन जाता है। टमाटर, अब हो जाएगा। हम नमक डालो, चम्मच नहीं है नमक, तो जो सब्जी में नमक, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी लाल मिर्च, लाल मिर्च। कलर तो टमाटर नहीं तो आप डाल दो, बाद में नहीं डालते। अभी बस 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 कितना अच्छा कलर आया है, और अच्छे से नहीं वो
अच्छे से मिक्स कीजिए। और तो डालो पानी। तवे की नहीं है लाइट, तो इसमें थोड़ा सा और पावाजी मसाला पड़ेगा। ये देखिए पाव भाजी बनाना इतना आसान है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पाव भाजी बनाना पता नहीं कितना कठिन होगा, लेकिन आज हमने बनाई तो इतना आसान पाव भाजी बनाना, बहुत इजीली सब कुछ बन गया। बताइए। और आज बिना लाइट के बहुत दिक्कत आ रही है। तो इधर अब सेक लेते हैं पाव को। जी है। सारा काम हो गया, तब जाके लाइट आई और अब देखिए पावाजी की रंगत। बटर अब फिर से था। तो गाइस अब इधर हम लोगों का लग गया है खाना, तो इधर अब हम सब खा रहे हैं और टेस्ट करेंगे पहली बार कैसी बनी है पाव भाजी घर पर। तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे हाथ की पाव भाजी और एक बार घर पर बनाकर टेस्ट करें। तो सबको बहुत अच्छी लगी थी और किंजल को गाइस इधर आ गया है लगी, तो इधर आ गया है केक। तो अब हम इधर सब लोग बैठ चुके हैं अपने अपने, इन्होंने कट नहीं किया क्योंकि ये बोल रहे हैं एक मेरा एक मेरे बेटी का अच्छे से मनाएंगे, इसलिए मैंने काट के सबको दे दिया है केक, क्योंकि ये अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं मनाते हैं। तो इधर सब लोगों को मैं दे देती हूँ केक। और आज लाइट ने तो बहुत गड़बड़ कर दी है, आ रही है जा रही है, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो इधर मैं सबको खिला देती हूँ केक, और केक बहुत अच्छा था, यमी। और ये मेरी ननंद लाई थी, छोटी वाली सिस्टर आरती लेकर आई थी, तो क्योंकि ये तो केक भी लेकर नहीं आते हैं अपने बर्थडे पे, कहते हैं नहीं मैं नहीं लाऊंगी कहीं कुछ, तो वही लाई ऑफिस से क्योंकि वो भी जॉब करती है ना इसलिए। और इधर किंजल को खाली पेट मिल गई है खाने के लिए, उसे तो अच्छा ही नहीं लगा तो उसने तो खाई नहीं, अच्छा हुआ उसने नहीं खाया, वरना उसको अच्छा लगता है ना तो वो चीज़ छोड़ती नहीं है और फिर उसको सर्दी हो जाती। तो इधर मैं सब लोगों को दे देती हूँ केक, और प्लेट्स कम थी ना तो मैंने सबको कागजों में दे दिया है,
मैंने कहा कौन जाए उठकर, और सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे पति के बर्थडे का केक। आप लोग भी खा लीजिए मेरे हस्बैंड जी के बर्थडे का केक, कैसा लगा टेस्ट आज कर लो आप लोग। और ये लेकर आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें।